उसमें ज़्यादातर क्या क्या प्रॉब्लम, इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं मैं बताता हूँ। हाँ, जो CO2 गैस दे रही है अभी, एक जो जो अपना इंडिया में प्रॉब्लम है वो ये कि जो CO2 की प्योरिटी होती है ना वो 100% नहीं होती, उसमें गंदगी रहती है, ठीक है ना। ये जो गंदगी है वो यूनिट के अंदर जाती है गैस के जरिए, और यूनिट के अंदर के जो सेंसर्स होती हैं उसको डैमेज करती हैं। तो ये अभी क्योंकि हमारा एक एक फिल्टर होता है इसमें, यहाँ पर वो फिल्टर अभी आपके यहाँ नहीं है, आप देख रहे हो यहाँ लगी नहीं है, तो ये गैस क्योंकि इम्प्योर होती हैं तो यूनिट को डैमेज कर सकता है। तो ये मैं तो रिक्वेस्ट मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप वो फिल्टर ले लीजिए। हाँ, जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये जो गैस होती है ना आपके सारे सेंसर्स को डैमेज कर देंगी, और वो सेंसर्स की कॉस्टिंग 1 लाख तक जाती है। तो अगर ये आगे जाके खराब हो गया यूनिट, और ये ट्यूब, ये इसका ट्यूब का कितना दाम है? ये फिल्टर का कम दाम सिर्फ 20,000 है। ठीक है, बात 20-25,000 होगा, वो हम लोग डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, वो बात करेंगे। तो ये मैं सजेस्ट करूंगा क्योंकि अभी आपका सर्जरी आपका इतना है नहीं, अभी जरूरी है, जो कंपलसरी है वो हम समझ जाएंगे। अपोलो में ऐसे 3 यूनिट है हमारी, उन्होंने खरीदा ये 2018 में, और उनका 2019 में मतलब विद इन अ ईयर उनका पूरा CO2 बंद डैमेज हो गया, एरर सेंसर सब खराब हो गए। तो तीनों यूनिट के उनको कर्जा करना पड़ा, ऑलमोस्ट 2.5-3 लाख का कर्जा हो गया उनको। अब तब जाके उनको समझ में आया कि फिल्टर का अहमियत क्या है, अभी फिल्टर लिया उन्होंने। सही सही, तब ठीक है, ठीक है। अच्छा, पहली बार कुछ कुछ और ना, तभी नहीं लिया इन्होंने। देखिए, लेना होगा नहीं लेना होगा वो बायोमेडिकल मैनेजमेंट मैनेजमेंट है, वो तो हमको आप बता रहे हैं, वो सबसे बड़ी बात है। हम लोग जो है हम लोग सजेशन दे रहे हैं आपको कि क्या सही है मशीन, तो वो सबसे अच्छी बात है कि हम उस चीज को हम समझ जाएंगे ना कि ये प्रायोरिटी है कि नहीं है। आप फिल्टर बता रहे, ये आपका CO2 है, CO2 तुम्हें डस्ट निकलेगा ही सब चीज में, एटमोसफेयर में जब इतना चीज है तो यहाँ पर निकलेगा, तो वो चीज हम आपका एक्सप्लेन करेंगे सर, हमारा इतना करोड़ का मशीन है, 10-20,000-15,000 में। हाँ, इस मशीन में मेन प्रॉब्लम वही होती है फिल्टर का, फिल्टर का गैस के क्वालिटी की वजह से। तो अच्छा, वो प्रॉब्लम है, वो आपको फिर एरर देगा, मशीन काम नहीं करेगा फिर। अच्छा, उसके अंदर क्या खराब हो जाएगा बोले? उसके अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, उसके अंदर एक क्योंकि जैसा मैंने बताया इसकी जो प्रेशर है बहुत बढ़ ज़्यादा रहती है, ये कम से कम 50-60 bar की होती है इसकी प्रेशर, ठीक है, 20-30 bar से ज़्यादा होती है, बहुत हाई प्रेशर है। तो इसमें क्या होता है, प्रेशर रिड्यूसिंग चैम्बर बोलते हैं, एक मैनिफोल्ड होता है हमारे अंदर, ठीक है, जिसमें प्रेशर को रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, और फिर वो सारे 3-4 सेंसर्स में से गुजरती हैं। अच्छा, 2 प्रेशर सेंसर्स होती हैं, 2 फ्लो सेंसर्स होती हैं, और फिर पेशेंट सेफ्टी एक और वैल होता है अंदर। ये सारे चीज़ों से आपका गैस पास होके फिर वो आगे जाता है पेशेंट तक। अच्छा, तो ये सारे सेंसर्स को आगे आगे डैमेज करता रहेगा, मेनली इसका सेंसर डैमेज, सेंसर डैमेज होगा, प्रेशर की मैनिफोल्ड डैमेज होती है, प्रेशर की मैनिफोल्ड, मैनिफोल्ड जो प्रेशर को डाउन करता है, ठीक है, वो भी डैमेज होता है, उसमें मेम्ब्रेन्स होती है अंदर काफ़ी, वो सब डैमेज कर देता है गैस का क्वालिटी से। ठीक है, ठीक है, तो ये है इसका इसका मेन प्रॉब्लम वो है। ठीक है, ठीक है ना, अभी आते हैं सामने। हाँ, इसके अंदर लगी है ज़ीनॉन की बल्ब, ठीक है, और ज़ीनॉन की जो बल्ब होती है उसकी एक लाइफ होती है, ठीक है, उसका लाइफ है 500 घंटे, 500 आवर्स, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे ये जो इंडिकेटर है, ठीक है ना, ये इंडिकेटर क्यों है, जैसे ही ये 450 आवर्स यानी 450 घंटे जैसे पूरा हो जाता है बल्ब का, तो ये आपको यहाँ पर रेड लाइट देना चालू कर देगा। वो क्यों चालू करेगा, क्योंकि आपको लाइट सोर्स बता रहा है कि आपका बल्ब का लाइफ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने हो गया है, आप प्लीज़ नया बल्ब खरीद के रखिए, ठीक है। तो ये जो अंदर इसकी जो ज़ीनॉन की बल्ब होती है ना, वो ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, तो क्या होगा आपका अंदर फ्यूज़ हो जाएंगे, ब्लास्ट हो सकती है, और उससे क्या होगा इसका पावर सप्लाई भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो वो बल्ब किस लिए कब कब यूज़ करता है? ये आपका लाइट सोर्स है, आपका लाइट देता ना ये, हाँ तो ये जो अंदर की जो उसके अंदर जो बल्ब होती है ना, वो बल्ब का एक लाइफ है, 500 घंटे, 500 घंटे के ऊपर आपको नहीं चलाना है उस बल्ब। हाँ, तो वो टाइमिंग का पता चलेगा, वो यहाँ आपको रेड लाइट देगा, तो उस जैसे रेड लाइट देगा, 450 जब पहुँचेगा ना, तब ये रेड लाइट देना चालू करता है। तो यूनिट के पास स्टिल 50 घंटे हैं, 50 घंटे मतलब एक सर्जरी कम से कम 1-2 घंटे की होती है, तो फिर भी आप उसको 10 सर्जरी तक आराम से चला सकते हो, जी जी, बट आपको उतना टाइम भी दे रहा वो कि आप नया बल्ब खरीद के रखें, ठीक ठीक ठीक। तो जैसे ही वो 500 घंटे हो जाएंगे फिर हम वो क्या करेगा, ब्लिंक करेगा। इसमें 2 फीचर्स है, एक है आपका कॉन्स्टेंट रेड लाइट, ठीक है, और फिर वो ब्लिंकिंग 450 आवर्स पे वो कॉन्स्टेंट रेड हो जाता है, जैसे ही 500 क्रॉस हो गया वो ब्लिंक करना चालू करेगा, ब्लिंकिंग से समझ जाना कि इसका लाइफ खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक वो है, इसमें और कुछ प्रॉब्लम्स आता नहीं है, ठीक है। बचा कैमरा, हाँ, कैमरा में जो इश्यूज आती है ना वो ज़्यादातर इससे आती है, ठीक है, इससे आती है। इससे क्या, इसमें 2-3 चीज़ें हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स हैं जो आती हैं। हाँ, एक है
वो है कि इमेज जो आती है ना आपकी, हाँ, इमेज पे ऐसे लाइंस आती है, ब्लर लाइंस, कलर लाइंस आती है। अच्छा, वो लाइंस क्यों आती हैं? क्योंकि आपकी एक जो केबल है, एक केबल अंदर से कहीं डैमेज हो जाए, ठीक, क्योंकि इसकी ये जो केबल है इसके अंदर कोई वायर टूट गया होगा, बाल जितने वायर्स होते हैं अंदर, हाँ, काफ़ी सारे वायर्स हैं अंदर, हाँ हाँ, एक भी वायर में थोड़ा भी डैमेज हो गया तो आपका इमेज खराब हो जाएगा। तो तब क्या करता हम, ये केबल को चेंज करते हैं। ये जो ब्लू रिंग है यहाँ से पूरा यहाँ तक पूरा केबल चेंज हो जाता है। तो ये लाइंस, जब भी आपको ऐसा लाइंस दिखे ना कुछ भी इमेज पे, तो समझ जाना केबल का इशू है। ठीक है सर, तो ये होता है। दूसरा होता है कि इमेज में पूरा धुआं धुआं होना। यस, इमेज जब अगर फॉगी हो जाए, धुआं हो जाए, हाँ, तब होता है इसका ऑप्टिक्स का। ऑप्टिक्स ये जब इशू है तो आप मेरे को डायरेक्टली फोन करिए। हाँ, कुछ भी इशूज है लाइंस का या फॉग का। हाँ हाँ, तो उसमें एक चीज़ होता है जो चेंज करना पड़ता है। अभी ये क्योंकि आप हमारा जो ये कैमरा है डिजिटल कैमरा है, तो सारा जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है कैमरा के हेड से ही हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज़ होता है डेसिकेंट, वो क्या करता है अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है ना वो ह्यूमिडिटी को कैप्चर करती है डेसिकेंट, बट वो डेसिकेंट का भी एक लाइफ रहता है, ठीक है ना। वो डेसिकेंट एक बार यूजअप हो जाए ना पूरी तरह से, हाँ, तो आपका इमेज फॉगी होने लगेगा, उस टाइम पे वो डेसिकेंट रिप्लेस करने का। उसके लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो जब भी कस्टमर कंप्लेंट करे डॉक्टर, बस इसमें कैमरा में ये इशू सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर भी इशू क्या देता है क्या ज़्यादा? इसमें इशू ज़्यादातर एरर आती हैं। वो क्यों आती हैं? आपकी जो एक्सेसरी है ना मोटर, हाँ, मोटर है, मोटर में क्या होता है लुब्रिकेशन जरूरी है, आपको हर सर्जरी के बाद स्प्रे करना होता है उसको लुब्रिकेट करने के लिए, बॉल बेयरिंग्स होती हैं अंदर, ठीक है। अगर आप टाइमली उसको लुब्रिकेट ना करें तो वो जाम हो जाएंगे, हाँ, मोटर घूमना नहीं चल घूमेगा नहीं, हाँ, तब ये एरर देगा कि मोटर जाम हो गया। तो उसको अच्छे से सर्जरी के बाद धोना जरूरी है, धो के उसको लुब्रिकेशन के स्प्रे आती है स्प्रे करना जरूरी है। इट इज़ अ मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, तो बॉल बेयरिंग होती है ना, तो लुब्रिकेशन जरूरी है उसमें, तो कुछ कस्टमर्स नहीं करते हैं तो जाम हो जाती है, तो ये मशीन एरर देता है। बट वो इसका इशू नहीं है, वो आपका मोटर का इशू है जो एक्सेसरी है, ठीक है ना। और नीचे वाला में इसको नीचे वाला में इशू नहीं होता कभी, फुट स्विच का कुछ इशू होता नहीं, ये केबल वाली है, हाँ, अगर फिजिकली कोई इसको बेंड कर दे डैमेज कर दे तो ऑब्वियसली ब्रेक हो जाना है इसको, तो अदरवाइज तो कोई इशू आएगा, हाँ, ठीक है। ये यूनिट एस एच कुछ इशू देता नहीं है, एरर आएगा समझ जाना मोटर का इशू है, ठीक है ना। अभी इशू मेनली इसमें आती है जो गैस का मैंने बोला, इसमें और लाइन्स का जो मैंने बोला, और इसका रेड लाइट, ये इशूज आती हैं जो जनरली आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा कुछ इशू आए तो आप डायरेक्टली मेरे को कॉल कर लें, ठीक है, ठीक है ना।